हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी के देश भर के पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। मोतिहारी में भी बीजेपी के द्वारा जमकर मिठाइयां बांटी गई और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया गया। वहीं इस मौके पर रक्षा समिति के अध्यक्ष व मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि इस देश में कोई भी नेता मोदी का विरोध कर अपनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकता और देश के राजकुमार यानी राहुल गांधी तो अभी भ्रम में है जबकि नतीजा सामने है। राधा मोहन सिंह ने हरियाणा की जनता का आभार भी व्यक्त किया। हरियाणा की जीत ने ये साबित कर दिया है कि आज देश मोदी को कितना चाहता है। मोदी हिंदुस्तान के जन जन की आवाज़ हैं और जो हमारे विरोधी हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि बार बार जो मोदी के खिलाफ कुछ बोलते हैं देश के अंदर या बाहर, इससे उनकी इज्जत कम होती है, उनका सम्मान कम होता है। इस देश के अंदर और दुनिया में जो आज मोदी का नाम लेता है वही प्रभावी होता है, नहीं तो मोदी के खिलाफ बोलकर किसी भी नेता की लोकप्रियता और देश के जो राजकुमार हैं वो बहुत गलतफहमी में हैं। कश्मीर के अंदर भी यदि देखेंगे तो उनकी करारी हार हुई है और हरियाणा में जो लंबी लंबी बातें करते थे उसका भी आज खुलासा हो गया है। मैं निश्चित रूप से हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई दूंगा और मोदी जी के जो कर्तव्य हैं उनके कर्तव्य का जो परचम है न सिर्फ हरियाणा में बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे में आज ला रहा है, ये सबको समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पीछे चल रही है ए बाबू, पीछे चल रही भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता